यूपी के केराना पर सियासत जारी पांच विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज केराना के दौरे पर जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू, सीपीएम, एनसीपी और आरजेडी के नेता होंगे शामिल। बुधवार को बीजेपी जांच दल ने किया था दौरा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ का एआईसीसी महासचिव पद से इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी, पंजाब प्रभारी का पद भी छोड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद। शोपिया में दो ग्रेनेड ब्लास्ट, एक शख्स घायल। चीन ने शुरू की चॉकलेट डिप्लोमेसी। अरुणाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा पर 9 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हुई थी झड़प, बाद में अफसरों ने बांटी चॉकलेट। इशरत जहां केस में गायब फाइलों में से एक फाइल लगी गृह मंत्रालय के हाथ। एक सदस्यीय समिति ने दी रिपोर्ट, कहा चिदंबरम के कार्यकाल में गायब हुई थी फाइलें। बिहार बोर्ड टॉपर्स स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पूर्व बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। तो बीएसईबी ने 24 कर्मचारियों को सस्पेंड कर 3 से मांगा कारण बताओ नोटिस। दिल्ली में फेर दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर। ट्रक ने 2 कारों में मारी टक्कर, पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस ने ट्रक के हेल्पर को पकड़ा, आरोपी ड्राइवर फरार। महंगाई पर हरकत में आई सरकार। वित्त मंत्री की महंगाई पर बैठक के बाद 10,000 टन दाल रिलीज करने का फैसला। 1.5 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का भी हुआ फैसला। देश भर में पेट्रोल और डीजल के लिए फिर बढ़े दाम। पेट्रोल 5 पैसे तो डीजल 1 रुपए 26 पैसे हुआ महंगा।